ज्योग्राफी लवर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ज्योग्राफी के 15 नए क्वेश्चंस या ये कहें कि 15 नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं क्योंकि और क्वेश्चन की ओर जाने से पहले हर दिन की तरह आज भी आपसे निवेदन है, प्लीज़ घर में रहें। हम लोग स्टेज 2 में हैं और स्टेज 3 की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ चेन को रोकिए, चेन को तोड़िए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं उस वीडियो में या न्यूज़ चैनल पे कि लोग सुबह में इस तरह से ख़रीदारी करने के लिए निकल रहे हैं कि जैसे फिर कभी उन्हें मौका नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इस तरह के काम नहीं कीजिए। आप अपने अपने परिवार की और अपने आस पड़ोस के लोगों की ख्याल कीजिए, उन लोगों के बारे में भी सोचिए कि कैसा होगा। और एक और ख़ास अपील कि ये कि थोड़ा सा कम ही खाइए ताकि मार्केट से इतना ही सामान ले जितना में हम कुछ दिनों तक गुजारा कर सके, और इतना ना ले ले कि वो एक तरह से होर्डिंग हो जाए घर में, यानी मतलब जमाखोरी हो जाए और जो नीडफुल पर्सन है उन तक खाने पीने की चीज़ें नहीं पहुंच सके। तो ऐसा नहीं करना है हमें। इस मुसीबत के दौर में सब किसी को कोऑपरेट करना है, सब किसी के साथ मिल के काम करना है, सब परेशान नहीं हो ऐसा कुछ करना है हमें। अब घर में बैठे हुए जो लोग वो ये नहीं कि नए नए डिश बना के खा रहे हैं और भाई क्या भाई तो बहुत खा रहे हैं, इस तरह से नहीं करना है। हमें सोचना है, महात्मा गांधी के शब्दों में कहें तो हमें लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक के बारे में सोचना है। तो प्लीज़ आप उनके बारे में भी सोचें जिन्हें अभी एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। अगर ज़्यादा है तो आप जाकर करके गरीब जो लोग हैं उनमें उसे बांट दें। और मुसलमान जो रमज़ान में ज़कात देते हैं अपने वेल्थ का 2.5%, उन लोगों से निवेदन करूँगा कि आप रमज़ान का वेट ना करें, आप अब उन्हें दे दें। शायद क्या पता अल्लाह को आपकी ये अदा रमज़ान में देने वाले जो आपके ज़कात है उससे ज़्यादा पसंद आ जाए। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रामीण अधिवास के निर्माण हेतु मानवीय कारक है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी आर्थिक कारक, ऑप्शन सी सुरक्षा, ऑप्शन डी ये सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी, क्योंकि मानव जब अपना घर बनाता है तो वो स्वास्थ्यवर्धक जगह पे बनाता है, जहाँ पर मौसम उसके अनुकूल हो या फिर जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं हो। आप अक्सर देखिएगा कि लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक कारण, सुरक्षा, इन सभी चीज़ को देखकर घर बनाते हैं। शहरों में बसने का मेन कारण यही होता है लोगों का, क्योंकि शहरों में क्या होता है कि हमें स्वास्थ्य सेवा भी मिल जाती है, शिक्षा सेवा भी मिल जाती है, यातायात की सेवा भी मिल जाती है, हमें रोज़गार भी वहाँ पे आसानी से करने के लिए मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जो लोग के अधिवास यानी लोग के बसने के कारण आता है। सुरक्षा भी, जैसे नाइजीरिया में इंसेलबर्ग नामक जो है घर एक तरह का अधिवास का सिस्टम पैटर्न है, वो सुरक्षा के मद्देनज़र ही है। उसमें अब कैसे क्या होता है अगली क्वेश्चन की वीडियो आएगी उसमें आपको पता चलेगा। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट बी रिस्टीड ने, ऑप्शन बी जूलियन स्टीवर्ड ने, ऑप्शन सी पेज ने, ऑप्शन डी मकाइवर ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जूलियन स्टीवर्ड ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, समनत वलन की आगे की विकसित अवस्था जिसमें अत्यधिक तीव्र क्षैतिज संचलन के कारण जब वलन की दोनों भुजाएं समानांतर के साथ साथ क्षैतिज भी हो जाती है, समानांतर यानी समानांतर पे होने के बावजूद हॉरिजेंटल हो जाए, तथा पूरा वलन धरातल पर लेटा हुआ सा लगता हो, ऐसे वलन को परिवलत या शयान वलन कहते हैं। दूसरा कथन है, जब अत्यधिक संपीड़न के कारण वलन की भुजा दूसरे भुजा पर उलट जाती है तो उसे प्रतिवलन कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन कौन कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो दोनों, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जनसंख्या वितरण के मापन में किसी राज्य या देश में निवास करने वाले लोगों की संख्या, जनघनत्व, लिंगानुपात आदि को शामिल किया जाता है।
दूसरा कथन है विश्व की 90% जनसंख्या विश्व के कुल 10% भूभाग पर निवास करती है। तीसरा, पृथ्वी को दो भागों निवास के योग्य इक्विमीन, जो निवास के योग्य होते हैं उन्हें इक्विमीन, तथा निवास के अयोग्य नॉन इक्विमीन में विभक्त करते हैं। पृथ्वी का लगभग 1/4 भाग अनुपयुक्त है रहने योग्य। कौन कौन कथन असत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल तीन, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल तीन। यहाँ पर ये 1/4 नहीं बल्कि 1/3 है जो पृथ्वी पर रहने योग्य नहीं है, जो जिसे हम लोग कहते हैं नॉन इक्विमीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पाइराइट पर जल और ऑक्सीजन की क्रिया से गंधक का अम्ल उत्पन्न होता है जो कि सैलों को गलाने में सहायक सिद्ध होता है। दूसरा कथन है जब खनिज पदार्थ जल से रासायनिक क्रिया करके नवीन यौगिक का निर्माण कर लेते हैं तो यह क्रिया हाइड्रेशन कहलाती है। तीसरा है फेल्सपार खनिज हाइड्रेशन की क्रिया द्वारा केओलीन मृतिका में परिवर्तित हो जाता है। चौथा है परतदार शैलों में यदि क्वार्ज हो तो वह आग्नेय शैलों से भी कठोर हो जाती है, परंतु सिलिका के पृथक होने से यह शैलें भी विघटित हो जाती हैं। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए 2, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3, 4। पाइराइट पर जब जल और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो वो गंधक का अम्ल यानी सल्फर का एसिड बन जाता है। जो सल्फर का एसिड क्या होता है, वो शैलों को गलाने में सहायक सिद्ध होता है। दूसरा कथन है कि जब खनिज पदार्थ जल से रासायनिक क्रिया करते हैं तो वो एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जाहिर सी बात है जब दो तत्वों का मेल होगा या दो यौगिकों का मेल होता है तो एक नया यौगिक मिलता है, तो यह क्रिया क्या कहलाता है? हाइड्रेशन। चूँकि यहाँ पर जल से मेल होता है इसलिए यह क्रिया क्या कहलाता है? हाइड्रेशन कहलाता है। तीसरा, फेल्सपार खनिज हाइड्रेशन की क्रिया द्वारा केओलीन मृतिका में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल सही है। चौथा, परतदार सेलों में क्वार्ज होता है तो वो आग्नेय सेल बहुत ही कठोर होते हैं, लेकिन जब उसमें परतदार सेल मिल जाते हैं तो वो क्या होता है, आग्नेय सेल से भी कठोर हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब तेज जल धारा बहती है तो वो क्या है, छोटे छोटे कण जो होते हैं उसको मतलब कणों के तौर पर जो है वो सिलिका को अलग करते हैं क्वार्ट्ज से, सिलिका को दूर ले जाते हैं, अपर्दित कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बाद में चल करके जो क्वार्ट्ज का सेल होता है वो विघटित हो जाता है। ये अपर्दन का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सबसे अधिक चौड़ा मगन तट पश्चिमी यूरोप का है। दूसरा, मगन तटों की चौड़ाई पर तटीय भागों के उच्चावच का नियंत्रण रहता है। तीसरा, महाद्वीपीय मगन तट और गहन सागरीय मैदान के बीच त्रिव ढाल वाले भाग को महाद्वीपीय मगन ढाल कहते हैं। चौथा, इसका औसत ढाल 2 डिग्री से 10 डिग्री तक तथा गहराई 200 से 300 मीटर तक होती है। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 3 और 4। ऑप्शन ए यानी 2 और 3, 1 और 4 गलत है। ये पश्चिमी यूरोप नहीं बल्कि यह साइबेरिया का क्षेत्र है। साइबेरिया के से लगा हुआ जो आपको आर्कटिक ओशन की ओर जो है वो सबसे चौड़ा मगन तट है। आप ध्यान में रखिए मगन तट उच्चावच पे डिपेंड करती है। यहाँ पर मान लीजिए जो क्षेत्र समुद्र तट से लगा हुआ, जो क्षेत्र जितना ही ऊंचा होगा उसका मगन तट उतना ही संकरा होगा। विश्व में सबसे संकरा मगन तट कहाँ है? वो दक्षिणी अफ्रीका का है, इंडीज पर्वत की तरफ, यानी पेरू और चिली का जो मगन तट है, सबसे ज़्यादा चिली का, उसके बाद पेरू का, वो क्या है, सबसे ज़्यादा संकरा है यानी पतला है, और सबसे चौड़ा का है साइबेरिया का। दूसरा कथन आप समझ ही गए। तीसरा कथन भी सही है, महाद्वीपीय मगन तट और गहन सागर के बीच त्रिव ढाल वाले भाग को महाद्वीपीय मगन ढाल कहते हैं, लेकिन इसका औसत जो है वो 2 से 5 डिग्री होता है।
और गहराई 200 से 300 मीटर तक होता है। बिल्कुल सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अपघटन या मृत जीवी परपोषी जीव हैं, इनमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया तथा कवक होते हैं, ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। दूसरा, अजैविक घटक में अकार्बनिक पदार्थ होता था, कार्बनिक पदार्थों एवं भौतिक पदार्थ शामिल हैं। ऑप्शन ए केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल दो सही, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही, ऑप्शन डी न तो एक सही न ही दो सही है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। अपघटक या मृत जीवी जो होते हैं, मृत जीवी का मतलब क्या होता है, जो मृत जीवों के ऊपर जाकर करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अपघटक वो जो किसी भी चीज़ को सराने या गलाने में काम आते हैं उसको अपघटक कहते हैं। वो परपोषी जीव है, इनमें बैक्टीरिया यानी जीवाणु और कवक प्रमुख है। ये पोषण के लिए क्या है, किसी भी जीव के ऊपर जाते हैं और उसके कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसका सेवन करते हैं, जिससे क्या है, धीरे धीरे जो जीव होता है उसका शरीर जो है वो गलने लगता है, सड़ने लगता है। दूसरा, अजैविक घटक में क्या आते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, इसमें जल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब आते हैं। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है आपको प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस, ये आते हैं। और भौतिक पदार्थ के अंतर्गत प्रकाश, ताप, वायु, विद्युत, वर्षा, कोहरा, आर्द्रता आदि को शामिल हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है एसरसन रीजन। तो एसरसन रीजन बनाने का हम आपको हर वीडियो में तरीका बताते हैं, तो जो बच्चे पुराने हैं वो जान गए होंगे, नए बच्चों के लिए मैं हर वीडियो में बताता जाता हूँ कि पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या है आप पढ़ लीजिएगा। ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हम पहले कथन को पढ़ते हैं, कथन को पढ़ने के बाद उसकी सत्यता की जांच करते हैं। अगर वो सही होता है तो फिर हम रीजन को पढ़ते हैं, रीजन की सत्यता की जांच करते हैं। तो पहले हम कथन की सत्यता की जांच करते हैं, यानी सप्ताप मंडल के ऊपरी भाग में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। ये बिल्कुल सही है, हम जैसे जैसे सप्ताप मंडल में थोड़ा ऊपर जाते जाते हैं वहाँ पर तापमान में थोड़ा वृद्धि होता है, बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती है। तो अब हमारा यहाँ हमारा ऑप्शन डी खत्म हो गया। अब अगला, समताप मंडल में ओजोन गैस संकेंद्रण होता है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया क्योंकि आर भी सही है। अब ए और बी में क्या क्वेश्चन है कि ए सही है, आर भी सही है, दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है या नहीं इसकी जांच करना। तो इसका हम लोग कैसे जांच करते हैं, बीच में क्योंकि लगा कथन पढ़ते हैं, उसका क्योंकि लगाते हैं और क्योंकि लगाने के बाद उसकी सत्यता की हम लोग जांच करते हैं। तो समताप मंडल के ऊपरी भाग में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है क्योंकि समताप मंडल में ओजोन गैस का संकेंद्रण होता है। अब कहिएगा कि यहाँ पर इसमें क्योंकि लगाने पर इसका जवाब हमको मिलता है कि ये दोनों सही है। अब थोड़ा सोचने में भैया आप क्यों, तो आपको पता है कि ओजोन गैस जो होती है वो समताप मंडल में होती है और समताप मंडल में ओजोन गैस का काम क्या है, वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो मानव के लिए हानिकारक होती है उसका अवशोषण करना। तो वो जैसे ही पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है तो वहाँ पर क्या है, वो तापमान को बढ़ा देती है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा प्राप्त आंकड़ों में विश्वसनीयता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत प्रेक्षण, ऑप्शन बी साक्षात्कार, ऑप्शन सी अनुसूची, ऑप्शन सी प्रश्नावली, ऑप्शन डी अनुसूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साक्षात्कार। व्यक्तिगत प्रेक्षण का मतलब होता है कि आप खुद से जाकर करके कहीं पर सर्वे कर रहे हैं, साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू, प्रश्नावली का मतलब होता है कि कुछ क्वेश्चन लोगों से करना, और अनुसूची का मतलब होता है के शेड्यूल, एक क्वेश्चंस होते हैं जो कि भरे जाते हैं, आप उससे जा कर के वहाँ पर कोड दिया रहता है आपको, उस कोड के हिसाब से वहाँ पर भरा जाता है कोडिंग कर कर के, तो इसको अनुसूची कहते हैं। अब साक्षात्कार क्यों सबसे बेस्ट होता है इन सभी में, तो प्रश्नावली में होता है कि हम ये नहीं जानते कि सामने वाला कितना जानता है और क्या हमारे सवाल का जवाब दे सकता है या नहीं, फिर भी जो प्रश्नावली होती है हम उसे देते हैं और उसका जवाब आंसर लेते हैं, जैसे एग्जामिनेशन में।
अनुसूची में क्या है कि अनुसूची में हम में शेड्यूल भरकर शेड्यूल है, एक शेड्यूल है, एक अनुसूची है, एक अनुसूची में बहुत सारे सवाल हैं, है ना। अब लोग वहाँ पर बहुत सारे संदेह के कारण उस चीज़ को छुपा भी लेते हैं, या बहुत सारे लोग अनभिज्ञ होते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो हमें बता नहीं पाएंगे सही से। व्यक्तिगत परीक्षण आप सर्वे करने जाए तो आप बहुत सी हिडन चीज़ें होती हैं जिसे आप समझ नहीं पाएंगे, जैसे सामाजिक जो रीति रिवाज है या फिर मानवीय गुण जो है उसे आप जब सिर्फ देख कर करके या सर्वे कर करके आप नहीं समझ सकते हैं। आप लेकिन साक्षात्कार में क्या होता है, जब आप साक्षात्कार में जाते हैं तो आप अपना एक तरह से एक बात रखते हैं, क्वेश्चन रखते हैं, अब उसके बारे में सामने वाला जो है वो उसकी इच्छा जहाँ तक वो खुल कर के बताता है, उसमें बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको इतना बताना है, दो लाइन में बताना है, एक शब्द में बताना है, है ना। जैसे एक एक नॉर्मल सा सवाल, आपके घर पे कोई गया, उसने सीधा पूछा कि आपके घर में शौचालय है, हाँ या ना में जवाब देना है, तो वो कंफ्यूज है, उसने कुछ बता नहीं भी, तो ये अनुसूची में होता है। लेकिन आप जब साक्षात्कार लेते हो तो आप कहिए कि चलिए बताइए कि आपके आपके यहाँ जब शौचालय नहीं था तो आप शौच के लिए क्या करते थे, तो वो उस समय बताया कि वहाँ उनके घर शौचालय नहीं होने का क्या कारण था, शौचालय करने कहाँ जाते थे, क्या क्या दिक्कतें थी उनके साथ, उसका हल वो लोग कैसे निकालते थे, फिर कैसे चल करके उनके यहाँ ये प्रॉब्लम दूर हुई, तो इन सभी चीज़ों का क्या है, ये एक मिक्सअप होता है। तो इसीलिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू सबसे बेस्ट होता है। अगला प्रश्न है, रूढ़ प्रक्षेप से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वेच्छानुसार छांटे गए प्रक्षेप को रूढ़ प्रक्षेप कहते हैं। दूसरा, इनकी आकृति अत्यंत ही संशोधित एवं रूढ़ होती है। तीसरा, गोलाकार प्रक्षेप, मॉल्बेट प्रक्षेप, ज्यावग्री प्रक्षेप, सिनुसाइडल प्रक्षेप, मिलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, त्रिविम प्रक्षेप रूढ़ प्रक्षेप के उदाहरण हैं। उपयोग में से कौन कौन सत्य है, ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और तीन, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन तीन गलत है। यहाँ पे बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, त्रिविम प्रक्षेप रूट प्रक्षेप नहीं है। त्रिविम हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो जो है यथाकृतिक प्रक्षेप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, काप मिट्टी के वैसे क्षेत्र जिनमें 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है वहाँ पर तर खेती होती है। मध्य और पूर्वी हिमालय प्रदेश, दक्षिण बंगाल, मालाबार तट इसके प्रदेश हैं। मुख्य रूप से गन्ना और चावल की उपज यहाँ होती है। दूसरा कथन है, ऐसी खेती में उपजने वाले पदार्थ सस्ते होते हैं। उत्तर पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी दक्षिण अमेरिका, इंडोनेशिया, श्रीलंका तथा मलेशिया इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। तीसरा, काप मिट्टी का वैसा प्रदेश जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ आर्द्र खेती होती है, यहाँ तीन फसल प्राप्त किए जाते हैं। चौथा, इसके अंतर्गत विश्व की कृषि योग्य भूमि का सबसे अधिक भाग है। भारत में मध्यवर्ती गंगा का मैदान, मध्य प्रदेश इसके क्षेत्र हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन सत्य है, ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी एक दो और चार, ऑप्शन सी एक और चार, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक दो और चार। यहाँ पर तीसरा गलत है, इसमें दो ही फसल प्राप्त की जाती है, तीसरा फसल नहीं होता है। तो काप मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी को ही हम लोग काप मिट्टी कहते हैं। पंकीली मिट्टी जो होती है जिसमें पंख होते हैं, बहुत उपजाऊ होती है ये मिट्टी, तो इसमें क्या है, जब जहाँ 200 से ऊपर वर्षा होती है, जाहिर सी बात है कि आपको चावल की और गन्ना की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो जब 200 सेंटीमीटर से ऊपर आपको वर्षा हो रही है तो आपको बारिश, आपको सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यहाँ तर खेती होती है। यानी क्या होता है, एक छोटे से जगह पर रोपण जो विधि से अक्सर होता है कि पानी में ज़्यादा देर तक डुबा के रखने वाले हम लोग फसल का उत्पादन करते हैं। और चूंकि इसमें लागत कम आता है, प्राकृतिक रूप से हमें पानी मिल जाता है, इसलिए इसकी लागत भी कम होती है। इसलिए दक्षिण पूर्वी जो एशिया में चावल उपजाया जाता है वो उसका मेन कारण यही है, हमारे भारत में बांग्लादेश में चावल उपजाना है, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है मानसूनी जलवायु होने के कारण, और हमारे यहाँ जो है जीवन निर्वाह कृषि भी करने का कारण यही है। अगला है कि वैसा प्रदेश जहाँ 100 से 2 सेंटीमीटर वर्षा होती है
वहाँ क्या है, साल में दो फसल उगाए जाते हैं, जैसे हमारा यूपी बिहार में क्या है, साल में दो फसल, एक रबी और एक जो है खरीफ फसल हमें प्राप्त होती है 100 से 200 मीटर। इसमें कभी कभी जहाँ थोड़ी बहुत सिंचाई की आवश्यकता महसूस होती है। विश्व के अंदर सबसे अधिक जो काप मिट्टी जो है कृषि योग्य काप मिट्टी का इसी क्षेत्र में यूज होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मध्यवर्ती गंगा के मैदान में गोखुर झीलें अधिक संख्या में मिलती हैं। दूसरा, निम्न गंगा के मैदान दलदलों से युक्त मैदान है। तीसरा, गंगा मैदान में जल से भरी हुई निम्न भूमि को झील कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ऋषि तोपेन ने पृथ्वी के बाहरे खोल अर्थात भूपटल को भूगोल अध्ययन का मुख्य विषय बताया। दूसरा, हेटनर के अनुसार भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तीसरा, रीटर ने इंडीज पर्वतीय देशों के निवासियों को अमेजन बेसिन तटीय मैदान व द्वीपों के निवासियों से भिन्न प्रकृति का बताया था। इनमें से कौन कौन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 और ऑप्शन डी 1 और 3। और सही आंसर ऑप्शन सी 1 और 2। ऋषि तोपेन ने ही पृथ्वी के बाहरी खोल अर्थात भूपटल को भूगोल का अध्ययन का मुख्य विषय बताया था, लेकिन ये रीटर नहीं बल्कि हम्बोल्ट थे। हम्बोल्ट ने ही बहुत तकरीबन अपना 5 से 6 साल जो है वो दक्षिण एशिया में बिताया था और उन्होंने ही इंडीज पर्वत के बारे में पता लगाया था और अमेजन नदी के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में जा कर के उन्होंने रिसर्च किया था। और हम्बोल्ट जो थे वो सर्वेक्षण करने में बहुत ही यकीन रखते थे और वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा तकरीबन 20 से 25 साल जो है वो यात्रा वृत्तांत में ही व्यतीत किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इलियड और ओडिसी होमर की रचना है। दूसरा, पश्चिम से प्रभावित भयंकर झंझावात वाली वायु को होमर ने जेफारस कहा। तीसरा, थेल्स को प्रथम यूनानी विद्वान माना जाता है। माफ कीजिए थोड़ा सा गलत हो गया था, तो नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार एनेक्सिमेंडर ने किया। इनमें से कौन सा से सत्य है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी सभी। एनेक्सिमेंडर ने नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार किया था। और आज का आखिरी प्रश्न है, एसर्शन रीजन। हमने अभी आपको बता दिया है एसर्शन रीजन कैसे बनाते हैं, तो सीधा हम चलते हैं, पहले कथन की सत्यता को जानते हैं। सभ्यता संस्कृति की वाहक होती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है यानी ऑप्शन डी गलत हो गया। दूसरा कारण है, एक समाज से दूसरे समाज को हस्तांतरण सभ्यता के माध्यम से होता है, तो ये भी सही है। एक समाज से दूसरे समाज को जो हस्तांतरण होता है वो सभ्यता के माध्यम से होता है। जैसे हमारे यहाँ देख लीजिए, हम लोग आज भी वैदिक सभ्यता के बहुत सारे चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हैं, चाहे मूर्ति पूजा हो या फिर बलि प्रथा हो, सती प्रथा, विधवा विवाह प्रथा, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग लेकर के बहुत दिनों तक आए, बाल विवाह प्रथा हो, इसको हम लोग बहुत दिनों तक लोग, तो ये क्या है, एक उसके बीच में देखिए, एक वैदिक युग से लेकर के वर्तमान युग तक तकरीबन 3500 साल का एक युग था, 3500 साल का। तो इस 3500 साल तक वो सब चीज़ें हमें मिलती रही, तो वो किस कारण मिलती रही, ये एक समाज से दूसरे समाज को हस्तांतरित होते गया, इसीलिए हमें मिला। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब इन दोनों की सत्यता के बारे में हम बात कर लेते कि ये व्याख्या करता है या नहीं। तो सभ्यता संस्कृति की वाहक है क्योंकि एक समाज से दूसरे समाज को हस्तांतरण सभ्यता के माध्यम से होता है, तो हमारे क्यूकी का जवाब मिल गया, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को बहुत कुछ सीखा होगा, आप लोगों ने बहुत कुछ जाना होगा। अटेम्प्ट क्या हुआ है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, डिसलाइक क्यों क्या कमेंट बॉक्स में बताएं। पसंद आया आपको लगा
कि ये और लोगों के लिए लाभदायक है तो प्लीज़ शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिल बटन दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और फिर से आपसे निवेदन है कि प्लीज़ बाहर ना निकले, घर में रहें, पढ़ाई करें, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका एग्ज़ाम तय समय सीमा पर होगा। एग्ज़ाम के कैंसिल होने की अभी कोई चर्चा नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम होने में अभी भी तकरीबन 3 महीने का, 3 महीने से 2-4 दिन कम है, 5 दिन, लेकिन अभी भी 3 महीने का समय है। तो प्लीज़ ऐसे अफवाहों में नहीं रहे, आप तैयारी करें। तो स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, हाथ बार बार धोइए, मुंह नाक आँख को हाथ लगाने की कोशिश ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।